जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आज आपके साथ हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ जो कि है रमज़ान स्पेशल। इसके लिए हमें चाहिए है बहुत सी चटपटी चीज़ें। पहले मैं आपको नाम बताती हूँ डिश का। डिश का नाम है जी इमली आलू बुखारे की चटनी। जी हाँ, इमली और आलू बुखारे को हम करेंगे मिक्स और उसकी बनाएंगे चटनी। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप आलू बुखारा और उसको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैंने लिया है 1 कप इमली का पल्प, जो कि मैंने इसको पानी में भिगोने के बाद उसकी जो उसकी गुठली होती है वो निकालने के बाद लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने लिया है जी 1 कप चीनी। इन सब चीज़ों को हम करेंगे मिक्स और खूब पकाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है पैन, और अब पानी के साथ ही इसमें डाल दी हूँ ये आलू बुखारा। अच्छा, आलू बुखारे का बीज मैंने नहीं निकाला क्योंकि ये चटनी में लगता है अच्छा, लेकिन इमली का बीज मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कप इमली का पल्प, सही है, और साथ में डालेंगे हम 1 कप भर के चीनी, सही। अच्छा, अब इसको हल्की आँच पे आप पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक गाढ़ा हो जाए, यानी कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा थोड़ा पतला ही रहे, ठीक है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही मज़ीद गाढ़ा होता है। अच्छा, इस दौरान हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाला, क्योंकि हमने बनाना है इसे चटपटा, और 1 चुटकी डालेंगे नमक, ठीक है। अच्छा, ये डालने के बाद आप इसे वक्फे वक्फे से चलाते रहें और चलाते चलाते जाएं और इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहें। अगर आपको बीच में कहीं लगे कि ये कम पतला है तो आप इसमें चीनी मज़ीद ऐड कर सकती हैं, सॉरी पतला है और चीनी मज़ीद ऐड कर सकती हैं, वो इसलिए कि इसकी मिठास भी ठीक रहे और इसका गाढ़ापन भी ठीक रहे, ठीक है। लेकिन वो आपसे अभी चेक नहीं हो पाएगा कि ये ठीक है या नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको पकाना पड़ेगा। बिल्कुल फाइनल स्टेज से थोड़ा पहले आपको आइडिया होगा कि हाँ, अब मुझे मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना है या इतना काफ़ी है। तो चलें इसको पकने देते हैं, ज़रा उबाल आने देते हैं, गाढ़ा होने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मज़ीद इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। जी, हमारी चटनी हो गई है रेडी। आप इसको ऐसे करके देखें, ये देखें, पोरिंग होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, वरना ये मज़ीद ठंडी होकर बिल्कुल ही जम जाएगी, ठीक है। तो आपने इस कंसिस्टेंसी पे इसको उतार लेना है, और उसके बाद आपने लेना है इस तरह का कोई जार, उसको अच्छी तरह से धोने के बाद गर्म पानी में 10 से 15 मिनट डिप करे रखना है, और उसके बाद उसको रख देना है साइड पर। जब वो खुश्क हो जाए तब इसको डालेंगे, लेकिन इससे इसको डालने से पहले भी आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये बिल्कुल ऐसे खोलती भी ना हो जैसे ये अभी खोल रही है। आपने इसको करना है रूम टेम्परेचर पे ठंडा, और फिर उसके बाद उसके अंदर डालना है, और ये इंश्योर करना है कि किसी किस्म का हवा का बलबला वगैरह उसके अंदर ना हो। तो आप इसको बंद करके आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रमज़ान तो आपका आराम से निकल जाएगा। तो ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।